सुन लीजिए, 3 लाख से हम लीड करेंगे चुनाव। 3 लाख से जीतने की बात छोड़ दिया, अभी बोल दिया ना पत्रकार के निकट, पहले हम ऐलान करते हैं। और भागलपुर जिला में, भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग राजनीति मेरा तगड़ा है, किसी का नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं है। कहता टिकट वहाँ मिल जाएंगे, जीत जाएगा, कैसे जीत जाऊंगा? रोहित को टिकट मिल गया, कैसे भाग गए हो? वो बात नहीं है, वो होना चाहिए ऐसा। हम तो लड़ते, कितने को सांसद बनाए हम, सबसे पहले शकुनी चौधरी को सांसद बनाए, उसके बाद हम खगड़िया से, उसके बाद रेणु सिंह को सांसद बनाए, यहाँ शाहनवाज को मैंने टिकट दिलवाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह के और मोदी जी को कह के, और टिकट दिया, उसके बाद हम चुनाव जिता दिए जो बोले थे, फिर कहिए टिकट लिखाइए, फिर जिता दिए, हम तो जिताते ही रहते हैं। शाहनवाज जी भागलपुर में अभी भी घूम रहे हैं, उनको भी एमपी घूमबे करेगा, देश का नेता है ना, वो घूमेंगे नहीं, अपना जुगाड़ नहीं लगाएंगे। अगर यहीं से उनके मुन की बतवा बन जाए तब क्या? कांग्रेस भी कह रही है कि चुनाव लड़ रही है। भाई कांग्रेस कांग्रेस कहाँ से, उसकी कोई कहानी है? कहानी भागवते झा आजाद के समय में खत्म हो गया। ऐसे लड़ता है ये अजीत शर्मा, कोई बुटवा देता है, पैसे के बल पर वोट लेता है। चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीत के पब्लिक का कोई सेवे नहीं करते, पब्लिक से भेंटे घाट नहीं करते। आप लोग ही जाते होंगे, बहुत टाइम लगता हो, टाइम तो मेरे यहाँ लगा आज, कुछ कारण था तो बतवा है तो टाइम ही नहीं देते हैं, तो पैसे के बल पर जीतते हैं, पैसा वाला आदमी है। हम लोग तो भीख मंगा है, चंदा करके चुनाव लड़ते हैं।